Hey guys, what's up? My name is Bhagyashree and आज का वीडियो होने वाला है sort of different. मैं यहाँ पे कर रही हूँ एक outfit fun challenge. यहाँ पे I'll be blindfolded and मैं इसे आँख बंद करके कुछ you know clothing item pick करूँगी and out of which हम एक outfit create करेंगे. This challenge is inspired by Sonia. Really like the concept like being a basic middle class girl. मेरे पास बहुत ही basic items है. ऐसा कुछ stylish high fundo नहीं है. So I don't know. मेरे केस में ये कैसे यू नो टर्न आउट होगा. सो आई एम रियली एक्साइटेड. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड यहाँ पे है सारे मेरे टॉप्स जो कि अभी मैं जिसको थोड़ा बहुत मिक्स कर लेती हूँ. ठीक है, आग बंद करके कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा. सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड. आई होप आई एम लुकिंग गुड ऐसे. सो दिस टाइम आई विल पिक यहाँ से फर्स्ट कुछ तो. ओके, ये पहना. ओके, ये वाला चीज. एंड यहाँ से क्या करूँ. ओके, एंड यहाँ से ये वाला. क्या ये कलर वाइज तो सेफ है बट आई डोंट नो ये डालने के बाद कैसे दिखेगा बिकॉज मेरा लोअर बॉडी इज हैवी. सो मुझे ना ऐसे पता नहीं मुझे कैसे मुझ पर कैसे दिखेगा. आई रियली यू नो इन डाउट. बट द गुड पार्ट इज मैं ये खुद कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करती ऐसे लखनवी प्लाजो पे ऐसे शॉर्ट कुर्ती पहनना. एंड बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज आई गॉट अ न्यू आउटफिट. एंड आई मीन दिस कुड बी योर वन ऑफ दिवाली आउटफिट एज वेल. मतलब दिवाली में हमको तीन चार ड्रेसेस यू नो चाहिए रहते हैं तो एक का काम मैं इसमें चला सकती हूँ. दैट इज वॉट आई फील. आई एम रियली हैप्पी. एंड ये दुपट्टे को आप ऐसे भी ले सकते हैं. फर्स्ट यहाँ से पिक करूँ कुछ रुकती हूँ. ओके, सो ये कुछ मैंने पिक किया. ठीक है, एंड अभी कुछ यहाँ से पिक करती हूँ. सो ये दो चीज़ें, लेट मी सी. सो दिस इज़ वेस्टर्न टॉप एंड ये है एक मेरे सलवार का, एक सलवार मतलब शरारा गरारा टाइप. सो लेट्स सी, नॉट बैड. मतलब ये जो फैशन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना जो बहुत ही ऐसे फंकी फंकी एकदम हाईफंडू वाला स्टाइलिंग करते हैं वैसे कुछ एक आउटफिट बन के आया है. दैट इज व्हाट आई फील. आई एम रियली लाइकिंग इट. हाँ, आई एम रियली लाइकिंग इट एज ऑफ नाउ. सो अभी होते हैं हमारा नेक्स्ट आउटफिट के लिए रेडी. ओके, सो आई विल. ओके, ये वाला एक पिक कर दिया हमने यहाँ से. एंड यहाँ से ओके ये कुछ तो जीन्स वाला आइटम आई विल पिक. दिस इज सारी ब्लाउज. ये सारी ब्लाउज है एंड ये मेरा डेनिम का स्कर्ट है. दिस इज गोइंग टू बी रियली होपलेस वाला आउटफिट आई मस्ट से. ओके, एंड आई थिंक दिस इज the most weird outfit we can have in today's challenge. And this is what we got from our third outfit, like sari blouse with a denim skirt. But I still kind of liking it. So aap mujhe batana aapko ye wala outfit kaisa laga. बढ़ते हैं हमारे अगले आउटफिट की तरफ. बाय द वे, अगर आपको ये आउटफिट के बारे में जानना है जो मैंने अभी पहन रखा है, दिस इज फ्रॉम मीशो. मैं मीशो का एक वेस्टर्न हॉल का पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगी. सो इफ यू इंटरेस्टेड प्लीज डू चेक. एंड या सॉरी, आग बंद करके नेक्स्ट. ओके, फटाक से अभी ये. ओके, दिस इज प्लाजो अगेन एंड दिस इज माई ऑर्गेन्जा टॉप. वॉट, ये ही बहुत अच्छा पार्ट है इस चैलेंज का कि आप जो कभी चीज सोचते भी नहीं है ना कि हम इसको ट्राई करेंगे वो वाला आउटफिट इससे रेडी हो जाएगा. सो आई एम रियली एक्साइटेड. सो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? या आई काइंड ऑफ लाइक इट. मतलब कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है मरून एंड हॉट पिंक के साथ. मतलब काफ़ी सेफ है ये कलर कॉम्बिनेशन. दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड ऑफकोर्स ये प्लाजो पैंट के ऊपर मैं ये टॉप कभी वेयर नहीं करती बट फोटोज़ निकालने के लिए अच्छा है. लाइक फोटोज़ वगैरह अच्छा आएंगे, थोड़ा सा स्टाइलिश वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वाले वो वाले ऐसा कुछ पोज दे काम हो जाएगा.
बट आई माइट नॉट वेयर दिस ऐसे कोई फंक्शन पे बिकॉज उतना अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज़ वॉट आई फील. आप बताना आपको कैसे लगा. ओके सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज. आई रियली एंजॉयड यू नो डूइंग ऑल दिस स्टफ बिकॉज ये मेरे चैनल का फर्स्ट चैलेंज वीडियो था एंड आई एम सो ग्लैड. मुझे पता नहीं अभी ये आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में. एंड आपका इसमें से फेवरेट वाला आउटफिट कौन सा था वो भी मुझे बताओ. एंड बाय द वे अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, प्लीज़ 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 कर दो. एंड मिलता है हमारे अगले वीडियो में. एंड टिल देन बाय.